आप देख रहे हैं वर्मा मैथ्स क्लासेस। आज हम अंकों का स्थानीय मान और जातीय मान सीखेंगे। ये वो टॉपिक है जो ज़्यादातर स्टूडेंट गलत करते हैं। ये स्कूली शिक्षा के अंदर भी खूब आता है और कंपटीशन वगैरह में भी आता है। तो आज हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे कुछ ही मिनटों में। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो अंकों में देखो, सबसे पहले आता है जातीय मान। जातीय मान का मतलब है कि किसी दी गई संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका अपना मान होता है, चाहे वो किसी भी स्थान पर हो। कोई भी अंक होगा तो उसी का वही अपना मान है, तो वो उसका जातीय मान कहलाएगा। जैसे 2, 4, 6, 8, 7 संख्या है, इसमें 6 का जातीय मान है तो 6 का जातीय मान 6 ही होगा। 4 का जातीय मान 4 ही होगा। तो ये जरूर है कि संख्या जैसे 4 है तो 4 किसी भी जगह हो उसका जातीय मान का मतलब 4 ही होगा। 6 कोई से भी स्थान पर हो उसका जातीय मान 6 ही होगा। इसी प्रकार 8 का जातीय मान 8 ही होगा। इसी प्रकार 7 का जातीय मान 7 ही होगा। तो आपको जातीय मान में ये क्लियर हो गया कि स्थान कोई सा भी हो वो संख्या अपना मान नहीं बदलेगी। जैसा वो संख्या का मान है वो अपना मान ऐसे कैसे ही रहेगा, वो जातीय मान कहलाता है। इसी टॉपिक के अंदर हम स्थानीय मान भी सीखते हैं। जातीय मान मेरे हिसाब से सबका क्लियर हो गया होगा। जातीय मान के बाद में अब देखते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान में अंकों के स्थान से मतलब रहता है, कौन सा अंक कौन से स्थान पर है ये उसमें इंपॉर्टेंट है। जिस स्थान पे होगा उसी जगह उसका स्थानीय मान कहलाएगा। जैसे स्थानीय मान में आपके 4, 2, 6, 7, 8, तो इसके अंदर अंकों का इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इस क्रम में काउंटिंग करके ही आपका स्थानीय मान गिना जाएगा। जैसे 8 का स्थानीय मान 8 है क्योंकि ये इकाई अंक पे है, तो इकाई अंक पर कोई भी संख्या होगी वो उसका ही स्थानीय मान होगा। इसके अंदर एक क्रम भी रहता है, जैसे 1 का स्थानीय मान 2.5 का स्थानीय मान सैकड़ा का स्थानीय मान इकाई होगा। तो उसके यहां पे जो गुणा करने का जो क्रम आता है उसके अंदर इकाई में जो अंक होगा, इकाई अंक उसको 1 से गुणा करते हैं। यदि वहां पे 2.5 का अंक है, 2.5 अंक वो 10 से गुणा होगा। इसी प्रकार सैकड़ा का जो अंक है वो आपके 100 से गुणा होगा, वही आपका स्थानीय मान होगा। जैसे हमारे पास संख्या है यहां पे 42,678, इसके अंदर अगर 7 का स्थानीय मान है तो 7 का स्थानीय मान कौन से स्थान पे, 7 इकाई और 2.5, तो 2.5 का मतलब 7 को किससे गुणा करना है, 10 से, तो 7 का स्थानीय मान हो जाएगा आपका 70। इसी प्रकार 2 का स्थानीय मान, तो 2 कौन सी जगह है, तो वहां पे देखो इकाई, 2.5, सैकड़ा, हजार, तो इसका मतलब इसको 1,000 से गुणा करना है। 1,000 से गुणा करेंगे तो इसका मतलब स्थानीय मान कितना आ गया आपके, 2,000 आ गया। तो 2 का स्थानीय मान हो गया 2,000। इसी प्रकार 8 का स्थानीय मान, 8 को किससे गुणा करना है, अगर इकाई पे हो तो 1 से गुणा, इस प्रकार 8 का स्थानीय मान केवल 8 ही रहेगा। ऐसी बहुत सारी संख्या है जिससे हम स्थानीय मान और जातीय मान निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपका स्थानीय मान और जातीय मान का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स।